कांवेर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के आवेदन जमा करने के पहले बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेतागण सांवेर पहुंचे, जहां उन्होंने चौक बाजार में आम सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू की संज्ञा देकर संबोधित किया। प्रदेश के 28 सीटों पर जारी उपचुनाव में सबसे चर्चित सांवेर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चला है। मंगलवार को नामांकन जमा करने के लिए सांवेर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी एवं प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। आम सभा में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा इंदौर के विधायक मालिनी गौड़, महेंद्र हाड़िया सहित भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के कई नेता भी मौजूद रहे। अपने तय समय से एक घंटे लेट पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले भाजपा के पितृ पुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया। आम सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू की संज्ञा दे डाली। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ट्रांसफर करने में लग गया और दूसरा जनता की सुध न लेकर जनता के साथ लगातार धोखाधड़ी करता रहा। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि 10 दिन में यदि सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन्हीं सभी मांगों को सिंधिया जी ने जोरों शोरों से उठाया था, जिसे लेकर सिंधिया जी ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर आने की बात कही थी, जिस पर कमलनाथ ने उन्हें सड़क पर आने की चुनौती दी और इसी बात से शुभ्ध होकर सिंधिया जी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और चुन्नू मुन्नू को रोड पर ला दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव देश के सबसे निर्णायक चुनाव में से एक है। इस सीट से तुलसी सिलावट 50,000 वोटों से ज्यादा मतों से विजय होंगे। विजयवर्गीय के मुताबिक इस उपचुनाव में बहुत ही हल्के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इतने हल्के शब्द आज तक किसी चुनाव में उपयोग नहीं किए गए। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि कमलनाथ हमारे साधारण से नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भूखा नंगा कह रहे हैं। कमलनाथ जी, आप ऊंचे घराने में पैदा हुए हैं, आपके पास कार है, बंगला है, फैक्ट्री है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं। मैं भी मिल मजदूर का बेटा हूं, हमें गरीबों और किसानों की समस्याओं की जानकारी है। आप क्या जाने गरीबों का दर्द क्या होता है। भाजपा प्रत्याशी और मंत्री तुलसी सिलावट आम सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पार्टी की जमकर तारीफ की और कहा कि यदि आपको स्थायी मुख्यमंत्री चाहिए तो कमल का बटन दबाना होगा। इस दौरान सिलावट ने भी बीजेपी की योजनाओं की जानकारी दी और 2400 करोड़ की नर्मदा योजना के बारे में बताते हुए कहा कि सांवेर के घर घर और खेत खेत में नर्मदा का पानी पहुंचेगा, जिससे क्षेत्र में खुशहाली आएगी। आम सभा के बाद सिलावट अपने समर्थकों के साथ बाजार चौक से तहसील कार्यालय तक जन सैलाब के साथ ढोल ताशे व आतिशबाजी करते हुए पहुंचे, जहां नामांकन जमा होने के बाद सिलावट ने मीडिया के सामने चर्चा करते हुए कहा कि आज भाजपा की ओर से मैंने सांवेर क्षेत्र से नामांकन भरा है और यह जो जन सैलाब उमड़ा है उसे मैं नमन करता हूं। इस दौरान एक सवाल के जवाब में तुलसी सिलावट ने कहा कि आगामी 10 तारीख को पता चलेगा कि वह कितने वोटों से जीतेंगे। वहीं इस दौरान डॉक्टर राजेश सोनकर ने भी सिलावट के साथ चलते हुए खुशी जाहिर की और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करते हुए मीडिया के सामने कहा कि बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। करीब 2.5 लाख से अधिक मतदाताओं की सांवेर विधानसभा सीट जागरूक वोटरों के लिए जानी जाती है, जहां अधिकतर हर चुनाव में यहां विधायक बदल जाता है। अपने अनुभव और 4 बार जीत के बाद कांग्रेस और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को एक बार फिर नामांकन दाखिल कर एक तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया है। बड़ी बात यह रही कि तुलसी सिलावट अपने खास समर्थकों के साथ बुधवार को सुबह कई मंदिरों के दर्शन करने के बाद नामांकन दाखिल कर चुके थे, तो वहीं दूसरी बार सांवेर के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर से भगवा और बीजेपी के ध्वज के साथ अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की रैली के रूप में सिलावट बाजार चौक पहुंचे, जहां कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं की आम सभा हुई। इसके बाद सिलावट जन सैलाब के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के पास पुनः नामांकन दाखिल किया। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा। डॉक्टर राजेश सोनकर, इंदौर जिला अध्यक्ष और भाजपा नेता और सिलावट के कट्टर समर्थक, पूरे समय तुलसीराम सिलावट के साथ दिखाई दिए और व्यवस्थाओं में लगे रहे। यात्री बसों और चार पहिया अन्य वाहनों के साथ ही ट्रैक्टरों से भी पहुंचे किसान।
सावेर विधानसभा क्षेत्र में हुए बीजेपी के आयोजन में कोरोना काल में बड़ी आम सभा हुई, जहां बसें, कार व अन्य 4 पहिया वाहन व 2 पहिया वाहन से भाजपा के लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे, तो वहीं ग्रामीण इलाकों से अपने ट्रैक्टर लेकर भी किसान सावेर पहुंचे। किसानों के मुताबिक बीजेपी सरकार में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और उनकी सुनवाई शिवराज सरकार में ही होती है, इसलिए वह ट्रैक्टर लेकर ये बताना चाह रहे थे कि किसान भाई बीजेपी के साथ है। आम सभा के दौरान बाजार चौक में कई बार धक्का मुक्की की स्थिति बनी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। नगर सुरक्षा बल व पुलिस अवस्था भी चाक चौबंद रही, जहां कोई अनहोनी जैसी घटना